शिवदानी। कमाना खाना से मैं काम नहीं करना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर मोदक सिखाने के लिए आई हूँ गणेश जी के लिए। मेरे घर 23 साल गणपति बाप्पा आए और 24वें साल लॉकडाउन की वजह से नहीं ला पाई, लेकिन मैंने ताम झाम पूजा पाठ भगवान की कृपा से किया और अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मोदक। मोदक जो मैंने भी पहले कभी नहीं बनाए, मेरे कुक आते थे और बनाते थे, तो जैसे आप ट्राई कर रहे हैं वैसे मैं भी ट्राई कर रही हूँ मोदक बनाना। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, देखूंगी कैसे बनते हैं। कमाना खाना से मैं काम नहीं करना, आपसे निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे प्लीज 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 क्लिक कर दीजिए, तो मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये तो आप खूब बता रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे आप लोग? फेसबुक पे 20,000 लोग आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आइए। ओके, तो चलिए क्या क्या लगता है मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे। मोदक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें से ये मैंने सूखा नारियल लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है। कई लोग गीला नारियल भी लेते हैं और उसे ग्रेट करते हैं। ये है ऑर्गेनिक गुड़, इस वजह से ये काला है। वैसे चिक्की का गुड़ भी लिया जा सकता है जो कि पीला होता है। मुझे 5 ही मोदक बनाने थे इसलिए मैंने सिर्फ 1 कटोरी चावल का आटा लिया। ये है थोड़ा सा घी जो हम यूज करेंगे इस प्रोसेस में। ये है नमक जो हम यूज करेंगे और ये है 1 कप पानी जो कि मोदक बनाने के समय यूज होगा। हमने ये फ्राइंग पैन लिया है और उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। थोड़ा सा घी ज्यादा भी डाल सकते हैं आप, चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसी में हम हमारे पास सिर्फ 1 कटोरी चावल है तो हम 1 कटोरी पानी ही लेंगे, इससे ज्यादा पानी नहीं लेंगे। अब हमने इसे तेज आंच पर रख दिया है और इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे हम। ये ट्रेडिशनल वे है बनाने का। जितनी देर में ये पानी उबल रहा है उतनी देर में मैंने दूसरी एक कढ़ाई छोटी सी चढ़ाई है और उसमें मैं ये 1 चम्मच घी डाल दूंगी, 1.5 चम्मच तकरीबन, क्योंकि चम्मच बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसे डाला है। और ये जो नारियल का भूरा है ये मैं इसमें डाल दूंगी, फ्लेम को कम कर दूंगी मैं। इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये गुड़ जो तकरीबन इतना ही दिख रहा है, समझिए 1 कटोरी आपने नारियल का बूरा लिया तो आप 1 ही कटोरी गुड़ लेंगे। थोड़ा सा और गुड़ ऐड किया है मैंने 1 चम्मच। अब मैं इसे मिक्स करूंगी कम आंच पर, जब तक ये आपस में अच्छे से मिल ना जाए, गुड़ जो है पिघल ना जाए, अच्छे से जेल ना हो जाए एक दूसरे के साथ, तब तक इसे हिलाना है, जलाना नहीं है। अब ये गुड़ और नारियल का जो पीस था दोनों मिक्स हो चुके हैं और इसे शिफ्ट कर रही हूं मैं एक छोटी सी थाली में। बहुत गर्म होता है ये और बहुत संभाल के रहना चाहिए। इसे थोड़ा सा पंखे में रख दूंगी मैं और तब तक चावल का आटा गूंदूंगी। अब मैंने ये जो पानी बॉईल हो गया है घी का नमक का, इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल ऐड किया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करिएगा नहीं तो इसके गट्ठे बन जाएंगे। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है यहां पर तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूंगी। चूल्हा हमारा जल रहा है और पैन हमारा गर्म है तो हम इसमें पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। हमारे हाथ में मोदक बनाने के लिए इसका जो आटा है वो प्रॉपर आटे की तरह ही आना चाहिए। थोड़ा सा फ्लेम ज्यादा कर दिया है मैंने और मैं इसको
अच्छे से जरा मिक्स कर रही हूँ। तो ये चावल का आटा लगभग थोड़ा सा भून लिया है मैंने, और अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इस चावल के आटे को थोड़ा सा भाप पे रख दूंगी 3-4 मिनट। 3-4 मिनट हो चुके हैं, चावल के आटे को भाप लग चुकी है, मैंने तुरंत से खोल दिया है बर्तन को और मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे बर्तन में। अब मैं इस चावल के जो आटे को मैंने निकाला था उसको मैं थोड़ा सा गूंद रही हूँ, उसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला मैंने, जितना डाला था मुझे लगता है वो काफ़ी हो गया, क्योंकि ये चावल का आटा है और ये फटेगा जब ये इसको हम बनाएंगे तो ये फट के इसके दो टुकड़े भी हो सकते हैं, इसलिए इसको पानी वानी ज़्यादा डालने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा हाथ में तर रहे इसलिए थोड़ा सा घी डाल सकती हूँ, और घी डालने से इसकी जो फटने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये घी ऐड करती हूँ। थोड़ा सा हाथ से भी छूटेगा अब ये, और वो अच्छे से गूंद लिया है मैंने, गरम गरम है थोड़ा, और गरम गरम में ही गूंद लेना है क्योंकि नहीं तो ये बाद में गूंदा नहीं जाएगा, इसकी फुटकी फुटकी बन जाएगी। तो ये है मोदक का बर्तन जिसमें मोदक बनाते हैं अमूमन लोग, उसकी रोटी की तरह बेल के उसके अंदर भर देते हैं ये घोल तो भी बन जाता है, लेकिन मैंने ये मोदक का बर्तन लिया है ताकि खूबसूरत लगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा दिया है ऑलरेडी, ऐसे थोड़ा हल्का घी लगा दिया है, और अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद ये जो मेरे पास चावल का जो ये आटा है इसको मैं स्टफ करूँगी, और इसको कोशिश करूँगी कि इसको अंदर अंदर एकदम कॉर्नर पे लग जाए पतला, ये ऐसे ज़्यादा जाड़ा नहीं करूँगी इसको, लेकिन स्टफ भी होना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप हाथ से भी बना के दिखाऊंगी, मैं मोमोज की तरह बनता है वो, और इसको थोड़ा सा ऐसे स्टफ कर दिया है मैंने, मुश्किल है थोड़ा काम, लेकिन खैर साल में एक दफा बनाती हूँ, पंजाबी हूँ मराठी नहीं हूँ, इसलिए मोदक बनाने की संकष्टी चतुर्थी को महाराष्ट्रियंस मोदक बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। एनीवे मैंने इसको अच्छे से इसके चारे चारी जो उसको थोड़ा मजबूत कर दिया है उसकी साइडों को, ताकि जब मोदक खुले तो ठीक से खुले और कहीं से भी कमज़ोर ना रहे मोदक बेचारा, मैं जान रहे थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगा तो लड़ेगा कैसे दुनिया से। तो ये है मोदक रेडी, और अब ये जो घोल है इसका, ये घोल मैं इसमें डाल रही हूँ, उसके पेट में इसका मुँह बंद कर रही हूँ मैं, बहुत बकवास कर रहा था, का मुंह बंद कर दिया, थोड़ा सा और मुझे लगा के थोड़ा सा और डाल दूं इसमें, और डाल दिया मैंने, और इसको ऊपर से मैं इसी आटे से बंद कर दूंगी अच्छे से, अंदर की तरफ थोड़ा दबाना है इसको, नीचे से थोड़ा तला मोटा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कवर जरूर हो जाना चाहिए। तो सुंदर बनाया ना मेरा मोदक, बड़ा खूबसूरत सा। अब इसे मैंने शिफ्ट कर दिया है इस कुकर में, नीचे पानी है और इसके अंदर अब और जितने मोदक बनेंगे सब डाल दूंगे। घोल थोड़ा सा कम हो गया, पापा नाराज मत होना, लेकिन मैंने एक छोटी सी मोदकी बीच में डाल दी है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि पापा को या 5 मोदक चढ़ते हैं या 7 या 21 और नंबर पे। तो लीजिए मोदक तैयार है, और मैं इस कुकर को बंद कर रही हूँ, वैसे तो लोग पैन में भी करते हैं। कुकर में मोदक है और कुकर की सीटी नहीं है, मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए चढ़ा दिया है ताकि भाप मोदक को अच्छे से लग जाए और जो चावल का आटा है वो पक जाए, वो कच्चा ना रहे। तो बस थोड़ी ही देर में हमारे लिए पापा के लिए तैयार हो जाएंगे मोदक। तो लीजिए गणपति बाप्पा मोरिया, मैंने ट्राई किया पहली बार मोदक, और सबने कमाना खाना से कहा था मुझे
कि दीदी मोदक बना के दिखाइए, मेरा मोदक सुपर हिट हो गया, आपका मोदक सुपर हिट कब होगा, ट्राई कीजिए ना आप भी। चलिए मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, कैसा लगा बताइएगा और शेयर करते रहिएगा कि और भी जो इतना डाला हुआ है मैंने उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।